जी हाँ नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। दरअसल भरतपुर में तीन भाइयों की गोली मारकर हत्या करने वाले मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। थप्पड़ का बदला लेने के लिए दोस्त ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले से आरोपी के पिता पत्नी सहित तीन लोगों को डिटेन किया है। दरअसल यह मामला कुम्हेर के सिकरोरा गांव में शनिवार रात 1 बजे का है। इसी दौरान इस मामले की जांच कर रहे एसपी श्याम सिंह ने बताया कि फायरिंग के दौरान तीन भाई समंदर 58 वर्षीय, गजेंद्र 52 वर्षीय और ईश्वर 54 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया गया है। जबकि गजेंद्र की पत्नी माया 48 वर्षीय, गजेंद्र का बेटा टैनपाल 29 वर्षीय और टैनपाल की पत्नी रवीना 28 वर्षीय का इलाज जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि गजेंद्र आरएसी अलवर में कांस्टेबल था। वहीं ईश्वर और समंदर गांव में खेती बाड़ी का काम करते थे। वहीं इस फायरिंग वाली घटना को अंजाम इंद्र मोहन उर्फ लाखन ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिया है। इस घटना के दौरान बाद में लाखन अपने साथियों के साथ फरार हो गया है। लाखन की पत्नी संतोष, पिता हरि सिंह और भतीजे से हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सो दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले से बेहद ही बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।